राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने मायावती को सीएम बनने का न्योता दिया था, लेकिन मायावती ने कांग्रेस से बात तक नहीं की। उन्होंने कहा कि काशीराम ने जिन मूल्यों पर बसपा को खड़ा किया, मायावती उन मूल्यों पर नहीं चल पा रही है, वहां से भटक गई है। राहुल गांधी ने कहा कि संस्था के बगैर संविधान का कोई मतलब है ही नहीं। अम्बेडकर जी ने संविधान बनाकर बड़ा हथियार दिया, लेकिन आज उस हथियार का कोई मतलब नहीं रह गया है। Who are just interested in power, that is the only thing they're searching for. सुबह उठते हैं, कहते भैया सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी है। और आज हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। अब उसमें मेरी एक प्रॉब्लम आ गई। अजीब सी बात है, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में, और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं। अब क्यों, अब मैं आप सच्चाई बोल रहा हूं, अगर मैंने एक रुपया लिया होता ना, मैं ये भाषण नहीं दे पाता। मैं वहां पे कोने में चुप बैठा रहता, ये भाषण नहीं दे पाता। तो पेगासस, सीबीआई, ईडी, ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ा, हमने मायावती जी को मैसेज दिया अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की, बात तक नहीं की।